लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, धीरे धीरे ही सही INDIA गठबंधन अपने पत्ते खोल रहा है, अपने पांव पसार रहा है। पहले कांग्रेस 7 सीटों का दावा करते करते 3 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान किया, 3 सीटों की घोषणा की, बाकी पर घमासान चल रहा है। आज झामुमो ने भी 2 सीटों पर घोषणा कर दी है, लेकिन एक गंभीर मामला आ गया है। झामुमो ने राजमहल के सिटिंग सांसद विजय हांसदा के नाम की घोषणा ही नहीं की, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम एक बड़ी रुकावट बन सकते हैं वहां पर। लोबिन हेम्ब्रम ने कह दिया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं झामुमो इस बात को समझता है कि अगर लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के डेडिकेटेड लीडर हैं, तो ऐसे में झामुमो को या विजय हांसदा को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बहरहाल अभी जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, आपको ये बता दूं कि रांची में भी मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर हल्ला बोल रैली होने की तैयारी है। झामुमो मेजबानी में जुटा है और कल विधायक दल की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा, कल पार्टी की बैठक में अहम फैसला ले लिया जाएगा बहुत जल्द। 14 अप्रैल की तिथि बताई जा रही है, संभावित तिथि है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को झारखंड में रांची में राजधानी में ये रैली निकाली जाएगी, महाजुटान होगा। INDIA गठबंधन के कई बड़े चेहरे इस रैली में शामिल होंगे। दिल्ली में महाजुटान हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA ने एक मत होकर हल्ला बोल का आह्वान किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने धीरे धीरे अपने आप को INDIA से अलग कर लिया था। सवाल वहीं से पनपने शुरू हुए कि हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए थे 31 जनवरी की रात को, तो INDIA के बड़े नेताओं ने शिरकत क्यों नहीं की थी झारखंड में, बड़े नेताओं के चेहरे क्यों नहीं दिखे थे झारखंड में। न्यूज 11 ने इसको प्रमुखता से उठाया और आज सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि 14 अप्रैल को ऐसी संभावित तिथि है जिस दिन महारैली महाजुटान होगा। INDIA गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे झारखंड में नजर आएंगे, रांची में नजर आएंगे, झामुमो इसकी मेजबानी करेगा और साथ ही साथ चुनाव प्रचार का आगाज भी कर देगा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब का जो संदेश, उस दिन बाबा साहब का जन्मदिन भी, तो ये हम लोग ने इस पर एक सोच रखा है, बाकी कुछ मंथन और चल रहा है, उसको जैसा होगा एक आध दिन में हम लोग आपको औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे, क्योंकि कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। विधायकों के बीच में जिम्मेवारियां तय की जाएंगी, 5 सीट है, 28 विधायक है, तो खैर 2 विधायक तो चुनाव में मैदान में ही है, बाकी भी विधायक होंगे, तो इसलिए उसी में बांट के आपस में कैसे कैसे किया जाए, हम लोगों का तैयारी का क्या स्तर हो, लेयर कितना हो, उसी में सारी बातें 14 तारीख को समझ। सीधा रुख कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, ये सवाल कई बार हम लोगों ने भी उठाया कि जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में महाजुटान हुआ, महारैली निकाली गई, हेमंत सोरेन भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, हालांकि इस गिरफ्तारी के ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन INDIA गठबंधन के बड़े चेहरे थे। 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन INDIA का कोई बड़ा चेहरा झारखंड में या रांची में शिरकत करता हुआ नहीं दिखा। अब 14 अप्रैल को संभावित तिथि है, जैसा सुप्रियो भट्टाचार्य बता रहे हैं, महाजुटान होना है, चुनाव के आगाज के साथ साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध भी होगा। राकेश, देखिए इसको लेकर तैयारी जो है वो लंबे समय से की जा रही थी और अब जो समय निकल कर आया है, हालांकि अभी संभावित है, टेंटेटिव डेट है अभिषेक 14 अप्रैल को बताया जा रहा है, और कल जब विधायक दल की बैठक होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक दल की बैठक कॉल की गई है, उस बैठक में तिथि पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा कि वो तिथि कौन सी होगी। फिलहाल जो टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है वो 14 अप्रैल का बताया जा रहा है, 14 अप्रैल को महाजुटान की बात कही जा रही है और मेजबानी जो होगा इस महाजुटान का, उसका जिम्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बड़ी रैली हुई, बड़ी महारैली हुई और
इससे उसके पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे उस रैली में मौजूद थे। तो वो राहुल गांधी की यात्रा के समापन को लेकर था, और जो दिल्ली में हुई थी वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो विपक्ष का एक महाजुटान था। अब उसी तरीके का महाजुटान की कोशिश यहाँ की जा रही है, और यहाँ से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश पूरे देश में जो है वो की जाएगी। मेजबानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को करना है, तमाम जो महागठबंधन के जो बड़े साथी हैं, जो बड़े लीडर हैं विपक्ष के, उनको न्योता दिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, और एक उसी तरीके की तस्वीर आपको यहाँ भी नज़र आएगी राजधानी रांची में, जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली में नज़र आई थी और महाराष्ट्र में नज़र आई थी। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, तैयारियां हैं हेमंत सोरेन को लेकर। आज कांग्रेस ने भी घोषणा कर दिया है, 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। झामुमो की बैठक कल होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है कल, इस पर फाइनल मुहर लगने की पूरी संभावना है। राकेश, क्या तैयारियां होंगी, कहां रैली होगी, किसी तरह की कोई जानकारी छनकर सामने आई है? देखिए, अभी जो जानकारी जो निकल कर आ रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो रैली होगी वो राजधानी रांची में ही प्रस्तावित है रैली, और यहीं से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। संभवतः वो जो रैली है वो मुरादाबादी मैदान में हो सकता है, तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। हालांकि देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं कल जब बैठक होगी उसमें ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी कि रैली कहाँ होंगी। रांची में होना है तो रांची में कहाँ होगा, मुरादाबादी मैदान में होगा या धुरुआ के मैदान में होगा, तो 2-3 जगह हैं जिसका जिसको लेकर चर्चा है। लेकिन बहुत संभावना है अभिषेक की रैली जो होगी वो मुरादाबादी मैदान में ही होगी। अब उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से उस रैली को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ेगा, और उसके मार्फत एक जो मैसेज देने की कोशिश होगी, एक तो ये होगा कि देखिए महागठबंधन की एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर उसी रैली से आगाज भी माना जाएगा, तो एक तरीके से उसकी शुरुआत हो जाएगी उस रैली के माध्यम से। लेकिन अभी डेट जो है वो निर्धारित नहीं है, टेंटेटिव डेट जरूर है, 14 अप्रैल का डेट है। लेकिन कल जब बैठक होगी, जेएमएम के तमाम विधायक उस बैठक में शिरकत करेंगे और उसमें एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि इस रैली को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, स्थान कौन सा होगा, कौन कौन चेहरे उस रैली में शामिल होंगे, किन किन बड़े चेहरों को न्योता दिया जाएगा। क्योंकि कोशिश यही है कि दिल्ली में जिस तरीके से मैसेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसी तरीके की मैसेज हेमंत सोरेन को लेकर यहां के मंच से भी दी जाए। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, रैली की तैयारी INDIA गठबंधन की। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ गई है राकेश, अभिषेक प्रसाद पिंटून का बयान सामने आ गया है। उन्होंने ईडी को बयान दे दिया है और उसमें कहा है कि उनको हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उन्होंने उदय शंकर, जो पीपीएफ सीएमओ के, उनको निर्देश दिया था जिसमें बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन के भी कागजात खंगालने के निर्देश थे। इसके अलावा दो अन्य संपत्तियों के जांच का भी मामला था, और ये बाकायदा प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी ने दर्ज करवा दी है कोर्ट में, 199 पन्नों का कंप्लेन है। कितना असरदार होगा, दोस्ती में दरार दिखाई दे रही है राकेश साफ? देखिए, प्रेशर तो था ही, और इस बात को लेकर सियासी गलियारों में बहुत पहले से चर्चा चल रही थी अभिषेक, कि हो सकता है कि अभिषेक प्रसाद पिंटू, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार थे, वो हो सकता है कि सरकारी गवाह बन जाए। तो उसी तरीके की तस्वीर फिलहाल निकलती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह का बयान उनका आया है कि उनके कहने पर ही ये सारी चीज़ें की गई थी, तो इससे साफ है और संकेत साफ निकल कर आ रहे हैं कि वो अब सरकारी गवाह बनने की तरफ उनका कदम बढ़ चुका है। जाहिर तौर पर जब वो सत्ता में थे या सत्ता में नहीं भी थे, तो उनके और हेमंत सोरेन के बीच के बहुत मधुर संबंध हुआ करते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, और हमेशा संघर्ष से लेकर हर जगह पर वो एक साथ नजर आते थे। लेकिन देखिए, यही होता है और इसी तरीके की तस्वीर होती है, जब आप खुद संकट में हो और सामने वाला भी संकट में हो, तो कोशिश यही होती है कि हम कम से कम इस संकट से निकल जाए। तो उसी तरीके की कोशिश अभिषेक प्रसाद पिंटू की तरफ से की गई है कि इस संकट से कैसे निकला जाए, तो उसका उन्होंने रास्ता वो अख्तियार कर लिया है। तो इसमें ये दोस्ती बहुत मायने नहीं रखी, क्योंकि जब लगा कि कंधा खुद का फंस रहा है, और तो ऐसे में उनको लगा कि दूसरे के कंधे पर ही रखकर निकल जाया जाए, तो यही दुनियादारी है अभिषेक, और इसी तरीके से दुनियादारी चलती भी है। बिल्कुल राकेश, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा को यह बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस तरीके से अगर अभिषेक प्रसाद पिंटू का बयान सामने आ गया है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यह बड़ा मुद्दा और हेमंत सोरेन की मुश्किलें
कहीं ना कहीं अब थमने वाली दिखाई नहीं दे रही है। नजदीकी भविष्य में मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि अभिषेक प्रसाद पिंटू के अलावा 7 से 8 अन्य लोग हैं जिनके बयान कलमबद्ध किए गए हैं, उनमें सीएमओ के पीपीएस उदय शंकर भी शामिल है। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।